तो यार इस वीडियो में देखने वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर लिस्ट। तो इसमें हम देखने वाला एक क्वेश्चन हमारा लिंक लिस्ट साइकिल। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक लिंक लिस्ट गिवन है एंड हमें उसे बताना है कि क्या वो लिंक लिस्ट साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं। सपोज कि मैं आपको एक अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताऊँ तो हमारे पास लिंक लिस्ट नॉर्मली कैसे होती है। ऐसे होती है 1 के बाद 2, मैं एग्जाम्पल देकर बोल रहा हूँ, ठीक है, 3, 4 एंड 5 एंड इसके बाद क्या होता है नल। नल क्या बताता है कि यार कि अब हमारा लिस्ट जो है ना यही बता, ये हमारा लिस्ट का एंड था। इसके बाद आप आगे जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि ये जो आपका लिस्ट ने खत्म हो गया है, 5 तक की था वो, अब ये लिस्ट खत्म हो गया है। बट अगर मैं क्या करूँ इस लिस्ट को हटा के, यहाँ से नल हटा के एंड इसका इसका नेक्स्ट भी ना इसका नेक्स्ट कहीं यहाँ पे जोड़ दूँ, इसका नेक्स्ट मैं कहीं यहाँ पे जोड़ दूँ बीच में आके, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, तो क्या अब ये इसमें साइकिल आ गया। आप 5 से अब कभी भी आप चलो, अब जैसे 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से फिर से 3 आ गए एंड आप हमेशा यहीं से ऐसे घूमते रहोगे, हमेशा आप ऐसे घूमते रहोगे, 3 से 4 जाओगे, 4 से 5 आओगे, समझ रहे हो ना। हमेशा आप 3 से 5 जाओगे, फिर 5 से 3 आओगे, फिर 3 से 4, 5, 5 से 3, 3 से 5, 5 से 3, तो आपको हमेशा ये दिक्कत आती रहेगी। तो ये लिंक लिस्ट कभी आप इसमें इससे आप कभी बाहर निकल नहीं पाओगे, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ लिंक लिस्ट में साइकिल है, साइकिल रिमूव करना है, एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है। बट यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या इस लिंक लिस्ट साइकिल है तो है कि नहीं, बस ये बताना है। देखो इसके इससे अप्रोच काफी सिमिलर होता है, बट उस अप्रोच का जो उस अप्रोच के अंदर का जो क्रोनोलॉजी है ना, मतलब कैसे क्यों काम कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है, वो काफी डिफरेंट है। उसका उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी, पूरी 1 घंटे की बन जाएगी, प्रॉपर मिनिमम आधे घंटे की वीडियो बनेगी ही बनेगी उस पर अगर उसको समझाने बैठे तो। बट अभी इसमें से ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी से कोड है, कोड का उस कोड के अंदर का बैक एंड पीछे का बहुत ही टफ, मतलब थोड़ा समझना लॉजिकल है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, मैथ्स वगैरह है उसमें। बट अभी इस पर फोकस करते हैं कि सॉल्व इसको कैसे करेंगे। भाई अपना एक स्लो पॉइंटर रखो, अपना एक फास्ट रखो, ठीक है। आपका स्लो और फास्ट स्टार्टिंग में हेड पे है दोनों, ये आपका हेड है। अब क्या करो, अपने स्लो को 1 से मूव करो और अपने फास्ट को 2 से मूव करो। आपका स्लो यहाँ गया तो फास्ट आपका यहाँ चला गया, ठीक है। आपका स्लो यहाँ आएगा, यहाँ आ गया उठ के, तो आपका फास्ट कहाँ आ गया उठ के, यहाँ आ गया 5 पे। अब आपका स्लो यहाँ आ गया उठ के, फिर आपका फास्ट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया उठ के। आपका स्लो यहाँ आ गया उठ के, ये है ना, थोड़ा मैं आपको इसको सही से दिखाता हूँ, ऐसा नहीं करते इसको, थोड़ा तो सही से करते हैं, ऐसे तो समझ में आ गया हमें, अगर हम ऐसे करेंगे तो इसको डालते हैं। देखो स्टार्टिंग में मेरा स्लो यहाँ पे था एंड मेरा फास्ट था, फास्ट भी यहाँ पे था। अब मैंने क्या किया, अपने स्लो को 1 से बढ़ाया और अपने फास्ट को 2 से बढ़ाया। 1 से बढ़ाएंगे स्लो को तो यहाँ आएगा, 2 से बढ़ाएंगे तो फास्ट यहाँ आएगा मेरा, ओके, ठीक है। अब देखो, अब मेरा स्लो मैंने यहाँ किया और मेरा फास्ट कहाँ गया, यहाँ से यहाँ पे था, 2 से बढ़ाया तो यहाँ पे आ गया, ओके। अब देखो आपका स्लो अभी कहाँ कहाँ पे है, आपका स्लो यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे, ओके। अब मैंने क्या किया, स्लो को 1 से बढ़ाया और फास्ट को जैसे 2 से बढ़ाओगे, 1 से बढ़ाओगे तो 3 पे आएगा और 2 से बढ़ाओगे तो कहाँ, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा इस वाले मॉनिटर पे, ठीक है, समझ में आया। स्लो आपका पहले यहाँ था, स्लो पहले आपका यहाँ पे था, तो आपने 1 से बढ़ा दिया तो यहाँ पे चला गया एंड आपने फास्ट को कहाँ गया, फास्ट को 2 से बढ़ाया था, ठीक है, ठीक है। पीछे करके देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ थे। अब देखते हैं, अपने अब मैंने स्लो को अपने 1 से बढ़ाया, यहाँ पे आ गया स्लो मेरा, स्लो यहाँ पे आया, फास्ट यहाँ से कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब मैंने स्लो को अपने 1 से यहाँ बढ़ाया, स्लो को यहाँ मैंने 1 से बढ़ा दिया, अब मेरा फास्ट कहाँ जाएगा, 2 से बढ़ेगा, 1 से बढ़ के तो यहाँ आएगा वो, और 2 एक और बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। अब देखो इस पॉइंट पे क्या है, मेरा स्लो और फास्ट एक ही पॉइंट पे आ गया है, तो मैं वही लूप चलाऊंगा, जब मेरा स्लो और फास्ट दोनों एक साथ आ जाएगा ना, एक पॉइंट मर्ज हो जाएगा, उस टाइम में बोलूंगा हाँ इस लिंक से साइकिल प्रेजेंट है, ओके। बस आपको ये कोड करना है यहाँ पे, आप चलिए इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं हम लोग। तो यार मैं आपको थोड़ा टाइम लेकर आपको बताना चाहता हूँ न्यूट्रल स्कूल के बारे में। तो ये वीडियो और ये चैनल स्पॉन्सर्ड है बाई न्यूट्रल स्कूल। तो यार ये कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर आप जॉब की फाइंड कर रहे हो, जॉब की तलाश कर रहे हो, तो अगर एंड आपकी कोडिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है एंड आपको अभी तो कोई जॉब नहीं मिली है, बट यार एमिंग टू बिल्ड अ कैरियर इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो आप यहाँ पे इनका पेज चेकआउट कर सकते हो। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करती है टू गेट योर ड्रीम जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। बेसिकली आपको क्या करना है, इनके वेबसाइट पे जाना है एंड आपको इनके वेबसाइट जाकर रजिस्टर करना है अपने बैचेस के लिए। आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको कोडिंग सीखनी है, उसके बाद आपकी जब आपको जब जॉब लग जाएगी तो आपको पे करना है, आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा वगैरह पे नहीं करना है। When you get a job, you need to pay from your salary, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में कोई भी पैसा पे नहीं करना है। ये तो है कोडिंग के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग। अगर आपको जॉब वॉब चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इनके हायरिंग अगर आप पार्टनर देखें तो बहुत से टॉप कंपनीज है, लाइक गूगल, थॉटवर्क, जोमेटो वगैरह है,
ठीक है, आप देख सकते हैं आप न्यूटन स्कूल स्टूडेंट्स आर वर्किंग टॉप कंपनीज, तो बहुत ही टॉप कंपनीज में इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो इनके एलुमनाई हैं, जो काम कर रहे हैं, अभी भी कर चुके हैं पहले, एंड अभी बहुत सारे लोग यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, गूगल, थॉटवर्क, जोमेटो, शाओमी, बायजूस, ये वगैरह, ठीक है, जो कि अच्छी ये सब टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। ठीक है, वो सब चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ फीमेल कोडर, आप एक फीमेल कोडर हो, फीमेल फीमेल डेवलपर हो, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, तो सारे आप चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दिया है। एंड यार, इनका भी कुछ दिन पहले फुलस्टैक का कोर्स लॉन्च हुआ था जनवरी में, तो वो भी लाइव चलता है। फुलस्टैक मतलब फ्रंट एंड एंड प्लस बैक एंड, तो आपको वहाँ पे फुलस्टैक डेवलपमेंट पूरा स्क्रैच से सिखाया जाएगा, मतलब पूरा स्क्रैच से आप फुलस्टैक सीख सकते हो, बहुत सारे अपग्रेड वगैरह कराए जाएंगे। तो इनका हर एक बैच, आई थिंक हर मंथ में एक नया बैच स्टार्ट होता है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो इनके फुलस्टैक कोर्स के बारे में। ये इनके फाउंडर हैं सिद्धांत माहेश्वरी, फाउंडर को फाउंडर, ठीक है। एंड इनका कुछ दिन पहले यार अभी एक कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें मोर देन 50,000 पार्टिसिपेंट्स ने, मोर देन 50,000 60,000 पार्टिसिपेंट्स ने कॉन्टेस्ट में भाग लिया। ठीक है, तो वहाँ पे इनके प्राइजेस देख सकते हो आप, 1 लाख 50,000 सेकंड प्राइज, तो ये भी कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है। तो इन सब के लिए आप ये देख रहे हो, जो इनका विनर था वो भी आई थिंक रशिया का है, ये रमजान इनका कुछ नेम है ऐसा, दूसरा केविन सुन, ये कैनेडा का है, कैनेडा के हैं, दूसरा कैलाश गुप्ता, ये इंडिया के हैं। ठीक है, तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो। ये सब इसमें जो टॉप 3 है वो आउट ऑफ इंडिया है, ये फॉरन के लोग हैं जिन्होंने टॉप किया था इनको इन कोडिंग कोडिंग कॉन्टेस्ट में, तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो। तो इनका ये सारा बहुत सारा कोडिंग कॉन्टेस्ट आई थिंक ये लोग हर वीक या फिर हर मंथ कराते रहते हैं, तो आप ये सब चेकआउट कर लेना। ये सारे लिंक्स मैं इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक, जहाँ से आप ये सब नोटिफिकेशन जान पाओ सबसे पहले, ये सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दिए, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, अगर आपका हेड नल है तो रिटर्न पॉज कर दें यहाँ से। दो नोट बना दो, इंग्लिश नोट टू को हेड पे पॉइंट कर दो और एक और बना लो पास पे पॉइंट कर दो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। स्लो वाइल आपका, क्योंकि हम मेनली हमारा कब नल, कौन नल होगा पहले, फास्ट होगा। अगर आपका फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है एंड आपका फास्ट भी नॉट इक्वल टू नल, जब तक इधर सही है नल, जब तक इधर नल नहीं, तब तक चलना है। तो आप इसको क्या करो, एक से बढ़ाओ आगे एंड अपने फास्ट को क्या करो, दो से बढ़ाओ आगे। ओके, अगर आपका स्लो कभी भी फास्ट के इक्वल आता है तो यहीं से करो रिटर्न टू, के हाँ साइकिल है यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी क्या करोगे, रन करोगे फॉल्स। ओके, तो इसे रन कर देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, ट्रू आ रहा है, किस में करके देखते हैं, सिंपल किसी में रन करके देखते हैं। ठीक है, सारा सैंपल के पास हो रहे हैं, फिर हम इस सबमिट करके देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रन टाइम आ गया हमारा 1-2 पे आ गया, 1-2 और ये -1 क्या है, एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा के देखते हैं, बेसिस यहाँ पे कोई नीड नहीं है। एंड ये वाला केस यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग खुद को करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। हम यहाँ पहले ये देखते हैं कि फास्ट जो कर रहे हैं वो है भी कि नहीं है, नेक्स्ट को बाद में करेंगे ना, पहले ये कंडीशन मैंने उल्टा लिख दिया था बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबमिट करके देखते हैं, आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब तो सबमिट हो रहा है एंड काफी ऑफ एंड में कोड है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है यार कमेंट डाउन कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।